पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बना रहे लोगों को रोकने गए भूस्वामी पर तेजधार हथियार से हमला, 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, 1 की इलाज के दौरान मौत। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत वार्ड संख्या 3 निवासी मोहम्मद निहाल की मौत इलाज के दौरान हो गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 10 मई को मोहम्मद निहाल अपने पैतृक जमीन जो पुरेनी थाना अंतर्गत खेरहो मौजा में है, उस जमीन पर चल रहे पूर्व से विवाद का सुलह समझौता कराने अपने परिजनों के साथ खेत पर गए, जहाँ पूर्व से ही कुछ लोगों द्वारा घर बना रहे थे, जिस पर मोहम्मद निहाल ने जब उन लोगों से घर नहीं बनाने को लेकर रोक लगाने के लिए कहा, तब उन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद निहाल के साथ 5 और परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए मधेपुरा लाया गया, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। परिजनों ने एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सिलीगुड़ी निकले तो रास्ते में ही मोहम्मद निहाल का मृत्यु हो गया। परिजनों ने वापस सबको पूर्णिया ले आया, जहां सदर अस्पताल पूर्णिया में केहाट थाने से पुलिस पहुंचकर परिजनों का बयान दर्ज करने के बाद सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन से न्याय का गुहार लगाया है। आइए देखते हैं परिजनों ने क्या कहा। मेरा फादर है। कैसे हुआ है घटना? ये जमीन का है ना, जमीन में वो सब और आदमी सब कब्जा कर लिया था मेरा जमीन, जमीनी विवाद में पापा लोग गए, बोला क्या कि जो है ना जमीन तो अभी दादा उसका दादा हम लोग का दादा खरीद लिया। हम पापा को मना किए अभी मत जाइए, तो तब पर पापा बोला कि जमीन है ना, जाते उसको समझाएंगे जो जैसा होगा ना उसको बोलेंगे, जहाँ तुम्हारा कागज रहेगा तुम ले लेना, अब मेरा कागज हमारा जमीन तुम छोड़ देना। इसी क्रम में पापा लोग गए और चाचा सब जो गए ना साथ में, तो वहाँ जाने के क्रम सिर्फ बोलने के लिए गए, वो लोग पहले से तैयार था, तो हाँ हथियार से तैयार था पूरा। पापा को दबिया से मारा है ना, दबिया खंता से पूरा एक साइड ख़त्म कर दिया। मेरे पास एक्सरे सब पूरा टोटल है। वहाँ से हम जैसे फ़ोन किया पापा के नंबर से, कोई फ़ोन रिसीव किया, बोला क्या कि देखो ना फ़ोन के, बोले पापा कहाँ है, बोला कि पापा कहे ना फोन दबिया से मार दिया वहाँ खेत पे जमीन पे। तो हम लोग को जैसे पता चला दूसरे के फ़ोन पे, पापा फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव किया, बोला क्या ऐसे मैटर में उसको मार दिया दबिया से, तुम लोग आओ। तो हम लोग गाड़ी रिजर्व करने में टाइम लगा, तो हम लोग यहाँ से गए पुरेनी थाना, गए पुरेनी थाना को, तब तक है ना 7 बजे वहाँ पहुँचे तो लोग पापा सबको लेके हॉस्पिटल, थाना से पहले इंक्वायरी करके फिर लेके ले गया वहाँ थाना हॉस्पिटल, ले गया हॉस्पिटल से है ना, पापा पूरा सीरियस थे। उसके बाद उल्टी भी हो गया, उल्टी होने के बाद हम लोग गए यहाँ से एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस करने के बाद पूर्णिया लेकर आए, पूर्णिया से देखें इसमें नहीं सुधार है, तो हम लोग सिलीगुड़ी चल गए। सिलीगुड़ी जाने के क्रम में डेथ कर गए। कौन कौन मारे थे इसका? इसका सबका नाम लिखे हैं, इसका है चुन्ना, मेन एक्टर जो पापा को दबिया से मारे हैं ना उसका नाम चुन्ना है, ठीक है। इसका पापा का नाम है मोहम्मद सईम, उम्र है ना 35 वर्ष लगभग। और इसके बाद जिब्राइल, इसका पापा का नाम है मनीर, ठीक है। उसके बाद सज्जाद, वहीं का है मतलब जो जो इस सब में किया है मारा पीटा है। अरशद, पिंकी खातून, मोहम्मद रबुल वहाँ पे, हाँ, और मोहम्मद कारे, ये सब है ना पापा को पुष्ट मार मारा है। इतना सीरियस हो गया पापा आँख ही नहीं खोल रहे थे, बेहोश, पूरा बेहोश थे। कितना देर तक ट्रीटमेंट चलता रहा? ट्रीटमेंट तो वहाँ से हम लोग जैसे गए ना 7-8 कुछ में पहुँचे थे पुरैनी, पुरैनी 8 कुछ में पहुँचे, तो वहाँ से जैसे बोले, और मेरा मामा का बेटा था उसको बोले आप एम्बुलेंस रेडी कीजिए, तो एम्बुलेंस खोजने में उसको टाइम लग गया, तो हम वहाँ 8:40 में पहुँचे समथिंग में, कल हाँ वहाँ पहुँचे 8:40 पे। फिर वहाँ से हम पूर्णिया ले गए सदर, यहाँ से बोला यहाँ नहीं होगा इसको ले जाओ तुम बाहर, तो हम लोग सिलीगुड़ी ले गए। सिलीगुड़ी ले जाने के क्रम में डेथ कर गए। अब क्या मांग है? हम से यही मांग है प्रशासन से कि मेरा पापा को न्याय मिले, और जो इतना आदमी है इसको सज़ा मिले, उम्र कैद का सज़ा मिलना चाहिए, या तो फांसी सज़ा हो सबसे। आप कितने भाई बहन? हम 2 भाई हैं, 4 बहन हैं मेरे। सब सेटल हैं? नहीं सब सेटल, 2 बहन का शादी होगा, दूसरी बहन का है ना हमसे जो छोटी है उसका शादी लगा हुआ लाइन बाजार में, उसका अगले महीना शादी था। तो आपके परिवार में कमाने वाले कब? मेरे पिताजी थे। अभी आश्रित में तो कोई नहीं है? क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नाजिम अफ्ता। आपका घर कहाँ? बनभाग वार्ड नंबर 3। पापा नाम क्या है? मोहम्मद निहान। हम सब तो गए थे वहाँ सॉल्व करने के लिए, कहने के लिए तुम काहे घर बनाया, 44 लगा है, वो सब आदमी 2-4 आदमी से पहले थे, उसके बाद सब लाठी फरसा घरासी जो भी था, एक तो हथियार भी था, उसे सब तो घेर के मारने लगा सब, हम सब बदहोश हो गए।
ये जो डेथ किया है वो आपका कौन है? हमारा चचेरा भाई है जी। इनका घर कहाँ? इनका घर तो वो बनभाग है अभी। पहले बिस्पुरिया पेपर पोती था वो। अभी कितने साल से बनभाग में रहो? करीब 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इनका जमीन जगह और जायदाद वहाँ पर? हाँ वहीं पर है, सब भाई का है। हमारा तो बाप 3 भाई। भूमि का क्या विवाद है? भूमि का विवाद उसका दादा ने हमको लिख दिया था। हम मोटेशन करवाए 72-74 में, रसीद कटा, उसके बाद कर्मचारी ने उसके अथी पर से नहीं उतारा। उसके बाद वो देखने उखने के बाद वो कह बोला कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, यही हुआ। कितना जमीन का विवाद है? एक एकड़ 50 डिसमिल। हाँ 50 डिसमिल है। तो आपको किसने मारा? हमको क्या नाम था, पाछे से मारा उसको, तो नहीं देख पाए क्या कहेंगे। सर में चोट है? सर में चोट है, 3-4 जगह सिलाई है, पीठ जिब्राइल है, जिब्राइल पीठ में लाठी है, यहाँ पर लाठी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, चाहिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद रजाक। घर कहाँ? पेपर पोती, डिस्प्रिया पेपर पोती। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। पंचायत? ढोड़िया दातपुर। घटना स्थल पर आप थे जी? क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मारपीट किया, हम सब समझाने के लिए गए, बोले कैसा काय कर रहा है, अपने शांति से कोर्ट से लड़ाई हो रही है। कैसे कौन लड़ाई कर रहा है? वो जो जमीन बोले, जमीन तो मेरा था भाई जबरन, वो इन्हें घर बनाया, घर बनाया तो उसको हम कहें कि देखो शांति से अपना केस चलिए रहा है, उसके बाद अपना समझदारी से करो, मारपीट मत करो। वो है ना आके इतने माँ के जबरदस्ती है ना मारने लगा सब भाई को, छबो भाई को मारने लगा, छोटा भाई को हम बचाने लगे, सर फाड़ दिया, हंसुआ लेके दबिया लेके काटा तो मुठा बने ने बने तो भुट्टा तर पाछे से डंगाने लगा, शरीर हमको तोड़ दिया है, हमको तो हंसने। कौन कौन था मारने लगा? मारे वतन हम क्या खाते सादा, तो वो सब जो है ना सब चुनना मारने वाले। ये लोग जो मारने वाले लोग हैं उसी गांव के हैं? तीन जगह से अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हुए, सब इकट्ठा होकर जमीन का अवैध कब्जा कर। परिवार है वो भी परिवार है सब। आप क्या मांग है आपका? हम मांग है कि शांति प्रयोग से अपना इसका फैसला हो, इंसाफ चाहिए। मर्डर हुआ है, इसका इंसाफ चाहिए। इसका मर्डर भी हुआ है, इसका भी इंसाफ चाहिए। ये विवाद कितने दिनों से चल रहा है? करीब 2-4 महीने से। 2-4 महीने से हो रहा है। पूर्व में भी किसी तरह का विवाद रहा है? नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद खलील आलम। घर कहाँ? हम बिस्पुरिया पर पाते। वही वार्ड नंबर? नहीं अभी तो झंडापुर में, झंडापुर बीपुर रह रहे हैं, वहीं है ना। जितने भी लोग हैं जो अपने पुश्तैनी घर द्वार छोड़ के कहीं और बसे हैं, क्या कारण है कि वहाँ से सब यहाँ कोसी में कट गया, कट्टी में चला गया, कोई पूर्णिया चला गया, कोई कहूँ हुआ, हमारा ससुराल हुआ। इस तरह का दबाव नहीं है ना? कोई दबाव नहीं है, वो सब कोई दबाव नहीं है। अभी नया यही 4 महीना में जो विवाद हुआ जी, बस यही हुआ, उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ है। कैसे मारपीट हुआ था, क्या मामला था पूरा? अरे जमान जमीन संबंधित मामला था, ये 3 महीने से चल रहा था। हम लोग ऐसे आए, उन लोगों को बोले कि कम से कम जो है प्रोसेस में आइए, आप लोग काहे ऐसे हल्ला करते, घर काहे बना लिए? तो बोला कि नहीं प्रोसेस में नहीं, हमारा जमीन है, हम ये करेंगे। और हम लोग निहत्थे थे, वो लोग आबादी में था, बस भीड़ गया मारने के लिए। हत्या के साथ था? हथियार भी था उन लोगों के पास। हम लोग तो मतलब आप लोग 4-5 आदमी छोड़ लो, ज़्यादा आदमी से मार करने भिड़ गए जी, सब मार करने भिड़ गया। और हंसुआ कुल्हेड़ी सब था उन लोगों के पास, घर बना रहा था सब पास था, सब भिड़ गया। अब क्या करते, हम लोग निहत्थे थे, जान बचाते बचाते कुछ दूर गए, लेकिन इतना पैर में मारा है, हमारा पैर उठ नहीं रहा है, और इसका जो हड्डी टूट गया है, इसलिए इसको लगाए हम, बोल नहीं पा रहे हैं। इसमें डेट भी किया है? हाँ डेट भी किया है, निहाल का इंतकाल हो गया। वो क्या चीज़ से मारा गया उसको? तो अति हसुआ से मारा गया, और जो क्या कहते हैं खंती दबिया जो है, दबिया जी, दबिया, हाँ दबिया, उसी से मारा गया सर में, सर फट गया उसका, हमारा भी देखिए सर फट गया सर। तो उन लोगों से बात करने के क्रम में उन लोगों ने हमला कर दिया? जी हमला कर दिया। वो लोग यही बोले कि प्रोसेस में है कागज, अगर यदि इस दौरान अगर काम हो जाएगा आपका हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, हमरा होगा तो हम ले लेंगे। कल के ना ऐसा नहीं होगा। उनका दावेदारी क्यों है, कैसे?
ऐसे मान के चलिए वो पुराने मान के चलिए लगभग जो 50 साल पुराना वो केवाला है, हमारे पास केवाला उसका दादा लिखा है, पोता तैयार हो गया दबंगई दिखा के कब्जा। हाँ वो बड़वारी दिखा, हम लोग बड़वारी हैं, इधर का है ना नौकछिए का है, वो लोग उधर का है तो नज़दीक का है, सब भीड़ जाता है और पैसे मिल के अवैध कब्जा करना चाह रहे जी, अवैध कब्जा करना चाह रहे दबंगई दिखा के जी। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद सुभान। कहाँ घर हुआ? घर बिस्कुड़िया हुआ, पेपर पाँच। जमीनी विवाद है, उसका दादा ने जमीन लिख दिया है और लिखने के क्रम में वो मोटी दाखिल खारिज जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण वो बोला खतियान से मेरा जमीन है। कौन कौन ये दावा कर रहा है कि खतियान से? इब्राहिम शहादत और चुन्ना। सबका पिता का नाम? सहीम। चुन्ना का पिता का नाम है सहीम। आज जो अभी आज जो आदमी का डेथ हुआ, क्या नाम है? मोहम्मद निहाल। कैसे हुआ? वो जो है ना 44 जमीन पे, पौने 2 बीघा है, 44 लगा हुआ है उस जमीन पर, वो 44 पे लगते हुए ये लोग जबरन ठाट करो और बांस वो ला के घर चढ़ाने लगा, चुन्ना इब्राहिम और शहादत और इरशाद। कितना जमीन है? 2.5 बीघा है। उस पर वो घर बना रहा है? वो उस पर घर बना रहा था। हम लोग वो 15 आदमी थे और हम लोग 5-6 आदमी थे, तो हम लोग मार्ग पक्ष में नहीं गए थे। हम ये बोला कि जब उसमें 44 लगा हुआ है, कोर्ट वाला मामला है, केस मतलब दायर है, तो आप लोग घर क्यों बना रहे हैं? जब उसका मामला आप विपक्ष होगा तो आप ले लीजिएगा और मेरा होगा तो हम ले लेंगे। तो ये बोलते हुए चारों तरफ घेर लिया, घेर के उधर से लाठी और दबिया और वो जो खंता चलाने लगा, चलाते चलाते बचाते बचाते और सर किसी सर में लगा, मेरा भी सर में लगा है और सर में लगा है और हाथ जो है ना यहाँ लगा है और पीठ में लगा है और वो दबिया से चलाया और खंता से भी चलाया है। दबिया से वार क्या, किन के ऊपर वार किया था? दबिया से वार किया मोहम्मद निहाल, निहाल के ऊपर वार किया। हाँ, वो निहाल के वार किया, दबिया से वार किया, वो गिर गया और मोहम्मद रज्जाक पेशर, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद सुभान। ये जो लोग हैं जो आप पर हमला किया है, कहाँ का? ये है चुन्ना है, दीवान टोला चंदा, थाना पड़ता है पुरैनी, जिला पड़ता मधेपुरा, चुन्ना। उसका पिता है सहीम और इब्राहिम और इसका घर पड़ता है नया टोला। ये सभी पुरैनी थाना से? हाँ, पुरैनी थाना से है। घटना कहाँ पे हुआ? घटना दीवान टोला चंदा में हुआ है। कहाँ, कौन पंचायत? और आए पंचायत खेरो खेरो प्रखंड पुरैनी, हाँ मधेपुरा जिला। वहाँ पर जब मारपीट हुआ था, आप लोगों ने थाना में रजिस्टर किया केस? हाँ, वहाँ जैसे मारपीट लेस हुआ, दबिया से मारा और शहादत चुन्ना इरशाद ये सब ने मार उर दिया, उसके बाद जो हम लोग थाना फोन किए और वहाँ से कोई ने दरोगा आया, ने प्रभाकर बाबू आया, ने के डी यादव आया, कोई नहीं आया, लेकिन लेस होते हुए ग्रामीणों ने दौड़ा और हम लोगों को बचाया, बचा के और उठा पुठा के मचान पे ले गया, मचान पे ले जाकर तब उसके बाद वो बोलेरो लाया, जाके हम पुरैनी थाना गए, वहाँ प्रभाकर बाबू और सब है। कितने लोग आपके तरफ से घायल हुए थे उस वक्त? उस वक्त 5 आदमी थे हम लोग। कौन कौन घायल? 6 आदमी थे। कौन कौन घायल थे? घायल है मोहम्मद निहाल, सीरियस है, उस सीरियस था, सीरियस हो गया तो उसी टाइम। उसके बाद मोहम्मद सुभान और उसके बाद मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद हम गुलफराज हैं, मोहम्मद खलील। ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कहाँ गए? ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पहले हम थाना गए पुरैनी, वहाँ बड़ा बाबू ने फोटो सब के लिया और कहा ठीक है आप जाइए अस्पताल जाइए, वहाँ से इंजोरी और जो है रिपोर्ट बना के लाइए, उसके बाद हम इसका
करेंगे। तो ट्रीटमेंट वहाँ से करा के फिर आप लोग वहाँ से रेफर कर दिया पूर्णिया सदर अस्पताल, और यहाँ आए तो निहाल बहुत सीरियसली था, वो उसका रेफर कर दिया वहाँ सिलीगुड़ी। वो जाते वक्त मतलब डेट उट का बड़ी खत्म रास्ते में, सर में दबिया से मारा है, दबिया खंता रड से। कौन उसको कौन मारा? ना आपका क्या नाम? मोहम्मद गुलफराज। आपका घर कहाँ? मेरा घर बिस्पुरिया पीपर पोती है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5 है। पंचायत ढोरिया दादपुर, थाना खड़ी बाजार, जिला भागलपुर, प्रखंड खड़ी हुआ। हाँ वहाँ आप अपना पुश्तैनी जमीन पर गए थे? हाँ मेरा दादा पुश्तैनी जमीन था, अवैध कब्जा को हटाने के लिए। हाँ मतलब वो 44 लगा है, उसको हम बोले कि जब 44 लगा है तो आपका ये घर चलाते हैं। इसी क्रम में वो पहले था 5-6 गो 7 गो और बगल में छिप के था, और हथियार के साथ और दबिया के साथ था, देसी कट्टा था और मॉस्केट भी था। ऊपर पराग बसबिट्टा से मकई से निकला और हम लोगों को दबोच कर मार देना शुरू कर दिया। जिस तरह से मारपीट हुई और हत्या हो गई भूमि से संबंधित है? भूमि संबंधित। तो आपको जो सूचना मिली क्या क्या सूचना मिली? यही सूचना मिला कि भूमि संबंधित है, जमीन वाला विवाद था बहुत दिन से, उसी विवाद में लग गया था, घर रोकने के मना करने की, घर मत बनाइए, केस चल रहा है कोर्ट में, जो हमको कल मालूम हुआ है। ये जो जिनका देहांत हुआ ये क्या करते थे? बिजनेस करते हैं। बिजनेस? किसान? किसान आदमी है। उनका कितना लड़का कितना लड़की है, आश्रित कितना है? इस पर तो शायद 5 की 6 बाल बच्चा है, 6 सब आश्रित। सब आश्रित, इसी पर आश्रित है। ये मिडिल क्लास? हाँ मिडिल क्लास। अब क्या आप लोगों का मांग? इसके साथ जो हुआ है उन लोगों को न्याय मिले, प्रशासन से यही? हाँ यही मांग है। क्या परिचय? मोहम्मद अशफाक अल्लाह, मुखिया बनवा के नाम। जानकारी मिला जो हमारे गांव का एक निहाल है, वो उसका संपत्ति था, प्रॉपर्टी चंदा में था, उसके ज़मीन पे कुछ असामाजिक तत्व अगल बगल के जो घर बना रहे थे अवैध कब्जा कर रहे थे। तो इन लोगों को जानकारी मिली, इन लोग गए थे वहाँ बातचीत करने के लिए कि घर जो है नहीं बनाइए, रोक दीजिए। तो उसी में जो है निहाल को जो है दबिया से, जो हम लोग को पता चला शाम में जब इनके घर पे आए, तो निहाल को दबिया से काट दिया गया है, इनके भाई खलील को भी मारा गया है, गुलफराज को भी मारा गया है, जो सब बुरी तरीका से सदर हॉस्पिटल में जख्मी है। क्या तारीख की मामला है? ये 10 बजे की आसपास की घटना, 10 तारीख की आसपास की घटना, 4:30 बजे की। तब से ट्रीटमेंट कराते रहा? हाँ वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहाँ से रेफर कर दिया पूर्णिया सदर हॉस्पिटल मधेपुरा से पूर्णिया रेफर किया, पूर्णिया से सिलीगुड़ी जाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। निहाल की? इनको मारने वाले कौन कौन लोग? चुन्ना है, मोहम्मद चुन्ना है, जिब्राइल है, सज्जाद है, नसीम है, यही लोग। इन लोगों के किस प्रवृत्ति के लोग? ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ आपराधिक इतिहास रहा है, बहुत पुराना है। अवैध रूप से जमीन पे कब्जा करना इन लोगों का मकसद रहता है। अब आप लोगों का क्या मांग रहेगा प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि सबकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द, और कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद या फांसी की सजा हो उन लोगों को। क्या परिचय? मोहम्मद इम्तियाज गुल, वन भाग समाज सेवी।